हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है कुल टेक मुकेश इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज किस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर स्टेटस अभी बना सकते हैं आप अपने एंड्रॉइड फोन से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बताया था इनसे वीडियो को प्ले करके कैसे हमने वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसी तरह से आप भी बना सकते हैं आप अपने फोन से। और फ्रेंड्स अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए हरदम इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से बैक आ गए, देख सकते हैं दोस्तों बैक आ गए। अगर फ्रेंड्स आपके मोबाइल में काइन मैशन नहीं है तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स कुछ भी हमसे पूछना हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे आकर वहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ 16:9 का आप रेशियो ले लीजिएगा, ले लिए। उसके बाद यहाँ मीडिया पर आ जाइएगा, उसके बाद बैकग्राउंड में आ जाइएगा और यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को ले लीजिएगा, देख सकते हैं ले लिए। और फ्रेंड्स यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, लेयर पर आ जाना है, उसके बाद मीडिया पर आ जाना है और फ्रेंड्स आपका जहाँ भी ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट वाला वीडियो होगा वहाँ से आप ले लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों हमने बना कर रखे हैं दोस्तों इस फोल्डर में, देख सकते हैं ये वाला है, देख सकते हैं ये वाला है, इसको ले लीजिए। लेने के बाद दोस्तों इसको यहाँ से फुल स्क्रीन में कर देंगे, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये वाला ब्लैक स्क्रीन हमने बनाया है दोस्तों। अगर आपको सीखना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर सीख सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस तरह से हो गया। तो दोस्तों फिर जाना है लेयर में, उसके बाद दोस्तों जाना है यहां ओवरले में, देख सकते हैं आ गए। उसके बाद दोस्तों इस फोल्डर में आ जाना है, जैसे कि दोस्तों ओवरले का फोल्डर है यहां, देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपके मोबाइल में ये सब ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ गेट मोर पर क्लिक कर वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, और डाटा ऑन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको ले लेता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बी माइन का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे और इस लव ओवरले को ले लेना है, देख सकते हैं ले ली और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। और फ्रेंड्स इसका लेयर इस तरह से बढ़ा देंगे, देख सकते हैं, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको आगे इस तरह से बढ़ाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे इस तरह से दोस्तों। आप अपने अनुसार से इस तरह से कर लीजिएगा, देख सकते हैं हमने दोस्तों इस तरह से कर लिए और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, फिर जाना है लेयर में, उसके बाद मीडिया में जाना है और एक फ़ोटो ले लेना है। जो भी फोटो आपको लगाना है आप ले सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ये वाला हमको फोटो लगाना है, इस फोटो को ले लिए, देख सकते हैं। और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आएंगे, आने के बाद दोस्तों यहाँ क्रोपिंग में आ जाएंगे और इसको मास्क को इनेबल कर देंगे और शेप में आ जाएंगे और इसको इस शेप को ले लेंगे, देख सकते हैं दिल वाला इफेक्ट का शेप है और इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, देख सकते हैं आप अपने अनुसार से कर लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ से हमने दोस्तों ओके पर क्लिक कर देंगे और फ्रेंड्स इसमें सजा देंगे, इस दिल में इस तरह से सजा देंगे, देख सकते हैं। आप अपने अनुसार से इस तरह से सजा लीजिएगा जैसे कि दोस्तों आपको अच्छा लग सके। इस तरह से हमने सजा दिए और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स इसका लेयर जो है नीचे वाला फोटो का है, इसको यहाँ से फुल कर देंगे, देख सकते हैं, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ बी माइन का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आएंगे, आने के बाद दोस्तों हम बिल्डिंग में आ जाएंगे और यहाँ से स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हो गया और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, फिर इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ थ्री डॉट पर आएंगे और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर दिए। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट लगा है इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से और यहाँ थ्री डॉट पर आएंगे और यहाँ से इसको भी यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा और यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे, आने के बाद दोस्तों यहाँ ब्लेंडिंग में आ जाएंगे और इसको भी यहाँ से स्क्रीन पर यहाँ से क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से अगर आपको लाइट और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ से लाइट बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं। आप अपने अनुसार से बढ़ा लीजिएगा और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें कोई सा भी आप ऑडियो लगा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें जो साउंड है इसको पहले म्यूट करना होगा, जैसे कि दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट वाला पर, इस पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ साउंड पर आ जाएंगे और यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे, देख सकते हैं, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ ऑडियो का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई सा भी आप ऑडियो लगा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आपके मोबाइल में जितना भी सॉन्ग रहेगा यहाँ पर आ जाएगा, आने के बाद दोस्तों इसी में से कोई सा भी आप सॉन्ग लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एक सॉन्ग हम लगाकर आपको बताता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, अगर इस सॉन्ग को आपको लगाना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से और फ्रेंड्स यहाँ सॉन्ग बजने लगेगा। बजने के बाद दोस्तों यहाँ प्लस पर क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से और यहाँ सॉन्ग ऐड हो गया, देख सकते हैं, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको बताता हूँ वीडियो को प्ले कर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, इसी तरह से अभी बना सकते हैं आप अपने फ़ोन से। तो फ्रेंड्स इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, यानी दोस्तों आप अपने गैलरी में सेव कैसे कीजिएगा, सेव करने के लिए दोस्तों यहाँ डायरेक्ट शेयर का ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से
और फ्रेंड्स यहाँ से रेजोल्यूशन को फुल HD या HD कर लीजिएगा आप अपने अनुसार से, और यहाँ से बीटेट को फुल कर दीजिएगा और यहाँ से स्पॉट पर क्लिक कर दीजिएगा, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। और फ्रेंड्स सेव होने के बाद कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक या व्हाट्सअप या कोई सा भी सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए हरदम चैनल पर डालते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।